सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, अगर आपके गैस कनेक्शन में आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है या फिर जो अकाउंट यहाँ पर लिंक कराया था आपने वो बंद पड़ा हुआ है तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। जो सब्सिडी के पैसे दोस्तों आते हैं वो आपके खाते में नहीं आ पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही अपने गैस कनेक्शन में अपना बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो या फिर कैसे आप अपना बैंक अकाउंट उसमें चेंज कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, दोनों ही प्रोसेस के लिए एक ही तरीका है जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें जिससे आपको समझ में आ सके कि आपको क्या क्या तरीका अपनाना है और क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं जिससे आपकी सब्सिडी आपके खाते में आ सके। दोस्तों, वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और मैं आपको ले आऊँगा मोबाइल स्क्रीन पर जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके कि आपको क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में इंडियन ऑयल नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से आके डायरेक्ट इसे डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मैं इसको ओपन करके दिखा दूंगा आपको। जैसे ही आप इसे ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। आपको वो तीन लाइन दिख रही हैं, इन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऑप्शन आएगा इस आईडी में साइन अप करने का यानी रजिस्टर करने का, क्योंकि आपने पहले कभी रजिस्टर नहीं किया है। तो आपके सामने दोस्तों दो ऑप्शन आएंगे, एक लॉगिन करने का, एक रजिस्टर करने का। तो अगर आपकी आईडी बनी हुई है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो आपको नीचे ऑप्शन आ रहा होगा देखिए रजिस्टर का, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सारी डिटेल भर देनी है। ये चारों बॉक्स भरने के बाद यहाँ पर जो भी ऑप्शन आ रहा है ये सब भरने के बाद आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और रजिस्टर पर क्लिक करना है। जब आप इसको इतना भरने के बाद रजिस्टर कर दोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा अपनी आईडी डालने का, जो कि एलपीजी की आईडी होती है 16 नंबर की। दोस्तों, वो आपको वहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। आईडी आपको आपकी गैस की बुक पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख के उसे फिल कर देना। जब आप उसे फिल करके उसे फिर से रजिस्टर करोगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा, वहाँ आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। आधार कार्ड का नंबर होता है दोस्तों, और आपको अब दोस्तों वही नंबर डालना है आधार कार्ड का जो आधार कार्ड आपने एलपीजी का कनेक्शन लेते टाइम वहाँ पे दिया था। जब आप उस नंबर को वहाँ पे डाल दोगे और रजिस्टर कर दोगे तो आपकी आईडी बनके तैयार हो जाएगी। तब आपके सामने दोस्तों ऑप्शन आएगा लॉगिन का, ये वाला। तो दोस्तों, लॉगिन करते टाइम आपको मोबाइल नंबर, अभी सबसे पहले ऑप्शन आया था मोबाइल नंबर डालने का, वही नंबर आपको यहाँ पर शो होगा। तो नंबर डालने में दोस्तों आपको पासवर्ड डालना है, आईडी बनाए टाइम आपने जो पासवर्ड डाला था वही पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। तो चलिए मैं इसे लॉगिन करता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब जी एप्लीकेशन पूरी ओपन हो चुकी है। इसमें मेरा नाम भी आ रहा है, इसमें दोस्तों वही नाम आ रहा है जिस नाम से मेरा गैस कनेक्शन है। अब आपको इसमें दोस्तों सबसे ऊपर तीन लाइन पर क्लिक करना है। अब सबसे ऊपर जो ऑप्शन आ रहा है दोस्तों एलपीजी का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जाना है सर्विस रिक्वेस्ट पर। वैसे तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं लेकिन आपको जाना सर्विस रिक्वेस्ट पर। तो चलिए मैं चलता हूँ। यहाँ आने के बाद दोस्तों फिर से आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आएंगे, तो हमें यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट चेंज करना है या फिर हमें अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। दोनों ही कंडीशन में दोस्तों सेम प्रोसेस है। दोस्तों, हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट सीडिंग लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ क्लिक करने के बाद मेरा जो नाम है जिस नाम से मेरी गैस कनेक्शन है वही नाम आ रहा है, और दोस्तों मेरी जो आईडी है वो आईडी आ रही है, और जो भी नंबर होते हैं दोस्तों वो सब आ रहे हैं ऊपर। इसके बाद दोस्तों ऑप्शन आ रहा है इंटर बैंक डिटेल का। अब दोस्तों, आपकी अगर बैंक पहले से कोई लिंक नहीं है तब आप इसमें वो बैंक डाल सकते हो जो बैंक आप इसमें डालना चाहते हो, या फिर आपकी बैंक पहले से कोई लिंक है और आप इसमें दूसरी बैंक डालना चाहते हो, दूसरा बैंक यानी अपना अकाउंट चेंज करना चाहते हो, तब आप इसमें दूसरा वाला अकाउंट डाल सकते हो जो बैंक आप इसमें अपडेट करना चाहते हो, आप उसका पूरा डिटेल यहाँ पर डाल सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने नए अकाउंट की पूरी डिटेल डालता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना अकाउंट चेंज करना है। तो चलिए मैं डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल डाल दी है। अब दोस्तों नीचे जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है ये वही नंबर है जो आपने एलपीजी में दिया था। एलपीजी में दोस्तों आपने रजिस्टर कराया था, वही नंबर इसमें पहले से रहेगा। अब आप सब डिटेल डालने के बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन रह गया, चलिए मैं फिर से इसे डालता हूँ। दोस्तों सारी डिटेल डालने के बाद
आपके जो नंबर है एलपीजी में, जो आपने एलपीजी नंबर रजिस्टर कराया था, जैसे कि मेरा आपको दिख रहा होगा नीचे वाला, तो दोस्तों इस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं यहाँ पर सुमित पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों देखिए, जो मेरा रजिस्टर मोबाइल नंबर है जो एलपीजी में था, उस पर एक ओटीपी आने वाला है। देखिए दोस्तों, ओटीपी आ चुका है, अब ओटीपी मुझे यहाँ पर डालना है। चलिए मैं डाल देता हूँ। ओटीपी डालने में दोस्तों मुझे यहाँ पर डन करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैसेज आ चुका है कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, यानी कि हमारा जो बैंक अकाउंट था जो हमने यहाँ पे चेंज कराया था, उसका मैसेज आ चुका है, वो कन्फर्म हो चुका है, वो सबमिट हो चुका है दोस्तों एलपीजी में। तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपने एलपीजी कनेक्शन में कोई भी बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो, या फिर कोई भी अकाउंट चेंज कर सकते हो। चलिए मैं प्रोसेसर रीलॉगिन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, फिर से मैं यहाँ पर जाता हूँ ट्री डॉट पर, फिर से एलपीजी पर जाता हूँ, सर्विस रिक्वेस्ट, बैंक सेंडिंग। अब देखिए दोस्तों, पहले मेरा जो नंबर था वो कुछ और था, अभी जो नंबर है मेरा बैंक का वो यहाँ पर सेम वो हो चुका है जो अभी मैंने यहाँ पर चेंज किया था। यानी कि अभी जो नंबर मैं बैंक में, जो अकाउंट में बैंक में सेव करना चाह रहा था, जो मैं चेंज करवाना चाह रहा था, वो मैंने चेंज कर दिया है और वो यहाँ पर सेव भी हो चुका है, आप देख सकते हो। और जो भी मैंने आपके सामने डाला था, वही नंबर, वही बैंक अकाउंट यहाँ पर सेव हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप अपने एलपीजी कनेक्शन में अपना कोई बैंक अकाउंट चेंज करना चाहते हो, क्योंकि अगर बाई चांस आपको पुराना जो नंबर है बैंक अकाउंट है वो बंद हो चुका है, या फिर आप उसे यूज नहीं करते हो, या फिर आपके एलपीजी कनेक्शन में कोई बैंक अकाउंट पहले से लिंक है ही नहीं, तो दोस्तों आप दोनों ही कंडीशन में यही प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो और अपनी सब्सिडी ले सकते हो। क्योंकि दोस्तों, बिना अकाउंट के आपके अकाउंट में सब्सिडी नहीं आएगी। जब तक आपका बैंक अकाउंट आपके एलपीजी से लिंक नहीं होगा, तब तक कोई सब्सिडी आपके अकाउंट में नहीं आएगी। तो दोस्तों, आप दोनों ही कंडीशन में यही प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो, जिससे आप अपनी सब्सिडी ले सको, चाहे आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना हो या फिर आपको अपना बैंक अकाउंट चेंज करवाना हो, आप दोनों ही कंडीशन में यही प्रोसेस कर सकते हो और अपनी सब्सिडी हर महीने ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आप अपना बैंक अकाउंट कैसे लिंक कर सकते हो या फिर उसमें कैसे चेंज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।